एक जो आपके गवर्नर हैं या फिर उसी गवर्नर को हमने बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बोला, बाद में उसी गवर्नर जनरल को हमने इंडिया का गवर्नर जनरल बोला, फिर बाद में उस इंडिया के गवर्नर जनरल को हमने भारत का वाइस राय बोला। तो ये सब जो तालिका है, तो ये पुरानी पूरी तालिका इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने भी गवर्नर जनरल आए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो बड़े नाम हैं जिन्होंने बड़े काम किए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लॉर्ड डलहौजी हो, चाहे वो लॉर्ड ब्लेजली हो, लॉर्ड मेयो हो, लॉर्ड वॉरेन हैंगस्टन हो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो, इन सब का नाम हम जानेंगे। और दूसरे पार्ट में जो संभवतः हमारी आज की पहली पार्ट होने वाली है, उसमें हम जो बड़े फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल थे, जो भी फ्रीडम फाइटर थे उनके निक नेम को हम जानेंगे, है ना। शुरुआत करते हैं, आपके स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, वो बताओ। हो रहा है सर, हो रहा है। हो रहा है। यस, देखिए तो ये हम हैं आपके निक नेम पे। निक नेम से संभवतः छोटे एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं। आप अगर बात करें रेलवे या एसएससी के एग्जामिनेशन में, तो संभवतः यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन अगर एसएससी से ऊपर अगर आप यूपीएससी या एमपीएससी जैसे एग्जामिनेशन की बात करेंगे, तो बिल्कुल ही इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये आसान सा टॉपिक है। लगभग जो भी मैं बातें आपको बताऊंगा उसमें से अगर आधे बात संभवतः आपको मालूम होनी चाहिए, अगर आपने 8th 9th 10th में एनसीईआरटी पढ़ा था। तो निकनेम की बातें हैं, जैसे आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी को हम महात्मा कहते हैं, तो महात्मा के नाम से सिर्फ महात्मा गांधी ही जाना जाते हैं। अब अगर मैं चाचा की बात करूं तो चाचा नेहरू आपको दिखेंगे। तो उस कंडीशन में आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि लोकमान किसको कहा गया, कवि गुरु किसको कहा गया, तो ये सब नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन करके हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की। आई होप कि आप लोगों ने नोटबुक और पेन ले रखा है या नहीं, जिनकी पहली क्लास है। अगर नहीं है, हाँ सर, 1 मिनट के लिए मैं होल्ड करूंगा, आप नोटबुक और पेन ले लें। पेज को मत ले लीजिएगा, किसी डायरी से पेज को मत फाड़ लीजिएगा, वो आज फाड़िएगा कल वो फिर डस्टबिन में चला जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कीप ए नोटबुक एंड पेन जब भी मेरी क्लास हो, इधर जनरल अवेयरनेस की क्लास हो और जनरल स्टडी की क्लास हो। देखिए पहला जो है वो फादर ऑफ नेशन, अगर आप बोले कि महात्मा भी बेसिकली हम इनको कहते हैं, वो है आपके मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसको आप लिख सकते हैं, एटलीस्ट 30 ऐसे नाम है, 30 तो 30 की बातें तो मैं नहीं करूंगा आज के इस प्लेटफॉर्म से, बट 20 ऐसे नाम जरूर मैं बताऊंगा जहां से अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए तो संभवतः वो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। फादर ऑफ नेशन, आई होप कि बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन शुरुआत था तो बताना मेरा काम था। इस कारण से मैंने ये बड़े नाम, वो बड़ा नाम जो 1915 में आपके इंडिया में किसके कहने पे आया था, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला के कहने पे 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग से इंडिया में आके उन्होंने पहले सत्याग्रह की शुरुआत 1917 चंपारण तीन कटिया आंदोलन या नील की खेती से किया था, वो ये नाम है फादर ऑफ नेशन। दूसरा जो नाम है जिसे हम कहते हैं लौह पुरुष, दैट इज आयरन मैन ऑफ इंडिया। जहां तक मेरी कोशिश रहेगी मैं हिंदी में भी बोल दूंगा अगर मुझे मालूम है एक्चुअल हिंदी, अगर नहीं मालूम होगा तो थोड़ा सा आप रेफर कर लीजिएगा। लौह पुरुष सर, ये जाने जाते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया, वल्लभ भाई पटेल। लेकिन वो महात्मा गांधी को महात्मा नाम क्यों गिरा? आप अभी सारी बात तो मैंने बताई नहीं कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कह के बोला, अगर रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था या नहीं, अभी सिर्फ इतना पढ़ने का, अभी टॉपिक बाकी है ना, अभी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म किधर हुआ ओके है कि नहीं। महात्मा यस गांधी को महात्मा कह के किसने बोला वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इस टॉपिक से दरकिनार हट गया, ठीक है। ओके सर, अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग तोड़ तोड़ के हम बातें करेंगे, नहीं तो सब पजल हो जाएगा, वो रविन्द्रनाथ टैगोर भी यहाँ पे पहुंच जाएंगे फिर। ओके, ओके सर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को अगर हम जानेंगे तो हम सिर्फ जानेंगे कि उनको हमने कवि गुरु कहा या गुरुदेव कहा, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कह के बुलाया था, इसकी बात आज हम होल्ड करने वाले हैं। ओके ओके सर, ओके सर। ओके, तो दूसरा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरा ये जो नाम है, यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है ये, और बहुत लोगों ने लता मंगेशकर पे टिक लगा दिया है। ये नाम संभवतः जिन्होंने हर एक क्लास अटेंड किया है वो नाम जाना पहचाना लगेगा, क्योंकि इसी यही वो नाम है जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट फर्स्ट इंडियन फीमेल इंडियन चेयरपर्सन थी।
रेक्टेंगल ऑफ इंडिया, है ना। तो ये तीनों नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया कि 20 नाम से आज लगभग हम रूबरू होंगे, इस 20 में से 3 नाम आपके इस स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार हमने यहाँ पे स्किप किया है, बट आप जाने कि उनको सरदार भी हम कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, एंड सरोजिनी नायडू, फर्स्ट फीमेल इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ INC, राइट, नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं। चलेंगे हम आगे, और आगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस बाल गंगाधर तिलक ने एक मूवमेंट की शुरुआत की थी, कौन बताएगा? होम रूल, द होम रूल लीग। ग्रेट 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 विमला, वेरी गुड। कब शुरुआत किया था? एक मिनट, 1916। हाँ, 1916, ठीक है रोहित। right, आप रेफर नहीं करने का, पुरानी जो नोटबुक में लिखा है उसको रेफर मत करो बिल्कुल। सर ऐसी अंदाजा बोल दिया, नाम लेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं करने का। आपको आपका परफॉर्मेंस आपके एग्जाम में दिखा के फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना है। इस कारण से पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ भी काम करें, उसी ईमानदारी के साथ हम आगे भी काम करते रहेंगे। नेक्स्ट, जिसकी बात मैं कर रहा था, 1913 में वो व्यक्ति बंगाल से आता है जिसने दो देशों का नेशनल एंथम लिखा। इसको हम दो नामों से जानते हैं, एक गुरुदेव भी आपसे पूछा जाए या कवि गुरु भी आपसे पूछा जाए, द आंसर विल रिमेन सेम, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि जैसी बड़ी बुक लिखने वाला 1913 में पहले भारतीयों को नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर से हमने नवाजा है, वो कवि गुरु या गुरुदेव, दोनों नाम से जाने जाते हैं। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू। सर स्टूडेंट्स को बता रहे सर कि ये जो लिखने की जरूरत नहीं है, उनको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। नहीं, थोड़ा बहुत सर लिखने दीजिए, क्योंकि जब वो लिखेंगे तो ही उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। पीडीएफ तो मिल ही जाएगा उनको, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ सेम टू सेम पीडीएफ आपको मिलेगा। लेकिन अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पीपीटी पे, तो आपको पीडीएफ में ये मिलेगा, ठीक है। बट आप लिखने का भी आदत डालें, क्योंकि सेम डे मैं पीडीएफ पोस्ट करता नहीं हूँ, है ना, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपने नोटबुक पे लिखा है उसको आप रेफर कीजिए, क्योंकि पीडीएफ में इससे थोड़ी सी ज्यादा बातें लिखी हुई आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं 20 नाम इस स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं, तो जो आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होंगे वहां पर 25 मिलेंगे। 25 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट 20 जो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ वो तो समझ जाए कि गेस में भी सुपर गेस है। इस कारण से आप थोड़ा सा लिखें, बट डोंट वरी, जितनी मैं बातें मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ाया है उसके नोट्स आपको मिलेंगे। कहेंगे सर आप हर एक क्लास में यही बताते हो कि नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल ही नहीं रहे हैं। नोट्स मिल रहे हैं, कोई तो बोलो। यस सर, नोट्स नहीं मिले हैं। एसएससी के नोट्स अभी तक पोस्ट नहीं हुए हैं, बैंकिंग के नोट्स पोस्ट हो गए हैं, एसएससी के नोट्स पोस्ट नहीं हुए हैं, बताता हूँ, डोंट वरी। चले आगे हम कवि गुरु गुरुदेव से आगे। यस यस, कहाँ पे हम चले, तो हम चलते हैं फ्रंटियर गांधी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यही देखने को मिलेगा, फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। बहुत इंपॉर्टेंट ये नेम है। रेलवे में अगर कोई एग्जामिनेशन देना चाहते हैं या रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो समझ जाए कि ये क्वेश्चन आपके लिए इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर ये पूछा जाएगा कि ये जो ये फ्रंटियर गांधी दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी, और उसके बाद आपके पास चार चॉइस रहेंगे, या जस्ट रिवर्स ये नाम दे के आपसे पूछा जाएगा कि इनको हम किस नाम से बोलते हैं, लोकमान के नाम से बोलते हैं, या फिर फ्रंटियर गांधी है, या फिर द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है। तो ऐसे दो तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इस कारण से बेटर है कि आप दोनों तरीके से याद करें कि फ्रंटियर गांधी इज खान अब्दुल गफ्फार खान, गुरुदेव इज रविन्द्रनाथ टैगोर, इधर कवि गुरु इज रविन्द्रनाथ टैगोर, लोकमान तो वही है जिसने 1916 में भारत के अपने शासन की शुरुआत जो हमने आपके उस देश से की थी, जिस देश से भारत के कांग्रेस की पहली प्रेसिडेंट महिला को हमने बनाया था, वो नाम क्या है? भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट या फर्स्ट फीमेल, भारत के कांग्रेस की,
भारत एनी बेसंत एनी बेसंत नहीं किया है एनी बेसंत एनी बेसंत सर है ना क्वेश्चन ठीक से सुनो भारत के कांग्रेस की हमने पहला महिला अध्यक्ष बनाया था वो एनी बेसंत थी अगर भारतीय महिला बोलूं फिर वो सरोजिनी नायडू तो एनी बेसंत कौन से देश से थी आयरिश आयरलैंड आयरिश थी यस तो यही वो लोकमान है जिसने 1916 में आपसे के साथ एनी बेसेंट के होम रूल लीग को कॉपी पेस्ट आपके इंडिया में 1916 में किया था। आगे चलेंगे जिस व्यक्ति को हमने फांसी की सजा दे दी थी वो व्यक्ति शहीद आजम के नाम से जानते हैं हालांकि फांसी की सजा तो हमने औरों को भी दी थी बट शहीद आजम के नाम से भारतीय इतिहास के जो सुनहरे पन्ने हैं मॉडर्न हिस्ट्री के वो सिर्फ एक ही व्यक्ति को जानता है वो है भगत सिंह। आगे देखें ये नाम बहुत बार मेरे जुबान से अभी तक सामने आया है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नाम दादा भाई नेहरूजी SSC CGL है ना SSC CGL बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। मैं तो कहता हूं कि जब मैं तैयारी करता था 2009 में तो ये इतनी बार मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में देखा था कि इतनी बार याद किया कि आपको भी इतनी बार बताता हूं द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया द हटा दिया है बट द भी आप लगा सकते हैं द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरूजी। उसके बाद देश बंधु ये नाम जनरली बड़े एग्जामिनेशन के लिए आपसे पूछा जाएगा अगर पीसीएस स्तर की कोई तैयारी कर रहे हैं है ना एमपीएससी हो या उससे ऊपर की एग्जामिनेशन हो तो उसके लिए ये नाम इंपॉर्टेंट है चित्रंजन दास देश बंधु के नाम से हम जानते हैं तो तीनों आप नाम लिख सकते हैं। दादा भाई नेहरूजी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है इस कारण से हर एक क्लास में लगभग मैंने आपके साथ ये नाम और इसका ये निकनेम शेयर किया है। शहीद आजम नाम सही लगता है शहीद हो गया होगा फांसी लगा दिया होगा हमने तो भगत सिंह है बट देश बंधु कहीं से भी गेस आप नहीं कर पाएंगे कि देश बंधु कौन है तो लगेगा कोई फ्रीडम फाइटर है लेकिन अभी तक आपके इस क्लास में मैंने चित्रंजन दास का नाम बताया ही नहीं था बट देश बंधु चित्रंजन दास के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नो सर नो सर चलूं आगे हाँ सर समझ में आ रही है मेरी बातें क्या मैं बोल रहा हूँ यस सर यस ओके आगे देखें क्या है। देखिए दो चीजें हैं एक को हम कहते हैं लोकमान्य दूसरे को हम कहते हैं लोकनायक दोनों में अंतर बना के रखिएगा। हमने लोकमान देखा था क्या अभी थोड़ी देर पहले हाँ सर किसको देखा था बाल गंगाधर तिलक को हाँ देखें यहाँ पे हमने देखा है लोकमान्य कौन है बाल गंगाधर तिलक लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं वो लोकमान नहीं है अभी जो हम देख रहे हैं वो आपके हैं लोकनायक दोनों में अंतर है ऐसा नहीं कि हमने जाना है तो लोक जैसे ही देखें तो बाल गंगाधर तिलक पे लगा दिया ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। लोकनायक और लोकमान बहुत सिमिलर से वर्ड हैं बट दोनों के लिए नाम अलग अलग हैं। वहां बाल गंगाधर तिलक था यहाँ पे एक बड़ा आंदोलन करने वाला जयप्रकाश नारायण है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। आगे देखे क्या लिखा है हमने एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ये तो नाम जो है वो तो नाम कोई बड़ा बात नहीं है चाचा जी ये तो बचपन से हमने देखा है कि चाचा जी गुलाब का फूल लगा के आते हैं तो ये जवाहरलाल नेहरू है छोटे से छोटे बड़े से बड़े एग्जाम से हमें नहीं पूछा जाएगा तो ये नाम आप जानते हैं तो किसी काम का नहीं है है ना। नेक्स्ट नेताजी हिटलर जैसा बड़ा इंसान जर्मनी का हिटलर बताऊंगा बाद में कि किसने बोला नेताजी अभी आप सिर्फ जाने कि नेताजी को हम बोलते ही हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो नेताजी उनका उपनाम है और नाम एक्चुअल सुभाष चंद्र बोस है। इस सुभाष चंद्र बोस को हमने एक पार्टी को फॉर्म करते हुए देखा था क्या आप लोगों ने सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी को फॉर्म किया था उस पार्टी का नाम और ईयर कौन बताएगा सर क्या बोले आपने सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी को फॉर्म किया था नहीं।
इंडियन नेशनल आर्मी। वेरी गुड, कब फॉर्म किया था? 1943। यस वेरी गुड। लेकिन इनिशियल किसने फॉर्म किया था इंडियन नेशनल आर्मी को? सरदार समथिंग। सरदार समथिंग, अरे समथिंग अरे कौन सिंह थे? अरे सर भूल गया सर, उनका नाम भूल गया। चलेगा चलेगा, है ना? तो नेताजी याद है, सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे आ जाए, बॉलीवुड या फिर सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड अगर कोई है, जैसे कहते हैं ना कि एक सुने जैसे कहते हैं कि एक इंडिविजुअल को दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो भारत रत्न अवार्ड है ना? वैसे ही आपका फिर पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, उसकी तालिका चलती है। बट यहाँ पे जाने आप कि बॉलीवुड या फिर सिनेमा का क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड अगर कोई है तो यही है, वो दादा साहब फाल्के अवार्ड। और जिस ईयर में आप खड़े हैं, अगर 2020 में आप खड़े हैं तो 2020 का दादा साहब फाल्के अवार्ड हमने किसको दिया? सरस्वती सम्मान हमने किसको दिया? ज्ञानपीठ अवार्ड हमने किसको दिया? ये सारे अवार्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इधर बैंकिंग के लिए जा रहे हैं आप, SSC के लिए जा रहे हैं आप, रेलवे के लिए जा रहे हैं आप, MPSC के लिए जा रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में आप जा रहे हैं, अवार्ड से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हो, दादा साहब अवार्ड, कोई भी अवार्ड हो। तो यहाँ पे आप जाने कि फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, इस कारण से मैंने आपको बताया है कि सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड ही है। और यही वो दादा साहब फाल्के हैं जिनको हम दूसरे फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से जानते हैं। दूसरा, ये दूसरे की बात भी हमने अपने क्लास में बहुत बार की है, जिस व्यक्ति ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ये नाम कुछ जाना पहचाना लगता है क्या? मैं जो भी मैंने फिगर बोला है, यस सर। हाँ, क्यों बोला है मैंने ये फिगर? तो मैंने इस कारण से बोला है कि जब कैबिनेट मिशन को हमने 1946 में फॉर्म किया तो उसके तहत पे हमने 9th of December 1946 को हमने इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया। और बनाने के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत की वो 9th ऑफ दिसंबर 1946 को की थी। और वहां से 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था। वक्त लगने के बाद हमने 26th ऑफ नवंबर 1949 को भारत की संविधान को बना के तैयार कर दिया, जिसे हमने 26th ऑफ जनवरी 1950 को एक्सेप्ट कर लिया। और हमने नाम दिया कि ये जो है वो हमारे संविधान के पिता हैं, नाम भीमराव अंबेडकर। यही वो भीमराव अंबेडकर है जिसने 1930, 1931 और 1932 गोल मेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। यस सर, याद है? यस सर। यस यस, नहीं याद होगा, इस कारण से मैं रिपीट करता हूँ जो भी उसके कंसर्न फैक्ट है, जो भी मिला जुला है, जो हमने बातें किया है उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट चले, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर पे चलते हैं। हाँ बोलो बोलो। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के पिता, ठीक है? तो यहाँ पे हमने सिर्फ संविधान के पिता का नाम लिखा है, ये हालांकि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से ताल्लुकात नहीं रखता है, कॉन्स्टिट्यूशन की फैक्ट है, बट फिर भी ये नाम हमने मॉडर्न हिस्ट्री में आपके साथ पढ़ाया है कि भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, इस कारण से मैंने यहाँ पे लिखा। देखिए उसके ठीक नीचे जो फैक्ट लिखा हुआ है वो टॉपिक ही है आपके एग्जामिनेशन का। जैसे हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, गोल्डन क्या है, येलो क्या है, राउंड क्या है, पिंक क्या है, रेड क्या है, ये सारे के सारे रेवोल्यूशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए ग्रीन रेवोल्यूशन तो आप बताएंगे कि हमारे व्हीट से है या फिर ग्रेन से है। व्हाइट पूछा जाए तो आपके ऑफ कोर्स किससे है, मिल्क से है। आपसे ब्लू पूछा जाए तो फिशरीज से है। राउंड पूछा जाए टोमेटो से है। रेड पूछा जाए, सॉरी राउंड पूछा जाए पोटैटो से है। रेड पूछा जाए टोमेटो से है। या पिंक पूछा जाए तो ओनियन से है। एवर ग्रीन पूछा जाए तो आपके ग्रेन से है। उसी कड़ी में ये जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है जिसने प्लानिंग कमीशन तो अभी नहीं है, 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंद करके एक नए आयोग की शुरुआत की, जिस आयोग का नाम उन्होंने नीति आयोग के रूप में दिया था और पूरा नाम बताया था नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। लेकिन जिस समय प्लानिंग कमीशन चल रहा था उसी प्लानिंग कमीशन में ये व्यक्ति का
पदार्पण हुआ था और इसी व्यक्ति ने आपके यूएस के ग्रीन रेवोल्यूशन को कॉपीराइट किया था। तो एक्चुअल अगर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आपसे पूछा जाता है तो वो नाम है नॉर्मन बॉलरॉम का। फिर से मैं बोलता हूं, ध्यान दें, यहां पे लिखा नहीं हूं मैं क्योंकि कंफ्यूजन होगा। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, आंसर किसी भी कंडीशन में आप एम एस स्वामीनाथन नहीं टिक मार्क करेंगे। मेरी बात समझ में आई क्या बोला मैंने? Yes, sir. Yes, sir. मैंने बोला कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, आंसर विल बी नॉर्मल बॉलरॉम, क्योंकि वो व्यक्ति यूएस में उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की थी, लेकिन उस व्यक्ति के उस कंसेप्ट को इंडिया में इंप्लीमेंट करके इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फादर बना वो नाम आपके सामने लिखा हुआ है एम एस स्वामीनाथन। और स्पष्ट अक्षरों में मैंने आपके पास लिखा है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। चलूं आगे? तो नॉर्मल क्या है आगे नाम? नॉर्मल बॉलरॉम, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। यूएस का वो साइंटिस्ट था जिसने वहां पे पैदावार, मतलब कहने का मतलब ग्रेन जो गेहूं है उसके पैदावार को बढ़ाने के लिए उन्होंने कंसेप्ट लॉन्च किया था। इंडिया वाले तो पहले ही से आप जानते ही हैं कि कहीं से कोई भी अच्छी चीज हुए उसको कॉपीराइट हम करेंगे। आगे हम चलेंगे इस ग्रीन रेवोल्यूशन से। तो आपने, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन आऊंगा मैं अमूल पे। यहाँ पे देखें लायन ऑफ पंजाब, पंजाब का शेर के नाम से हम जिस व्यक्ति को जानते हैं राजपूताना नरेश, दैट इज रंजीत सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसएससी सीजीएल, लायन ऑफ पंजाब। देखिए आपने अमूल का नाम सुना है ना, अमूल का? जी सर। अमूल का दूध, अमूल का बटर। जी सर। अमूल जैसे प्लांट की शुरुआत जिस व्यक्ति ने की थी वो व्यक्ति चूंकि आपके अभी नहीं है, 2019 में ही उनका डेथ हो गया, वो व्यक्ति आपके व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर है जिसने अमूल की फैक्ट्री आनंद गुजरात में लगाई थी। और व्हाइट रेवोल्यूशन की अगर लिंक पूछी जाए तो व्हाइट रेवोल्यूशन ऑफ कोर्स की बात है कि मिल्क से जुड़ा हुआ है। नाम है वर्गीज कुरियन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। जैसे आपने फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन का नाम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में जाना है, वैसे ही वर्गीज कुरियन का नाम आप व्हाइट रेवोल्यूशन के परिप्रेक्ष्य में जाने। ठीक है, वर्गीज, वर्गीज सरनेम स्क्रीन पर दिख रहा है आपको? नहीं सर, स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है सर, आपका फेस ही दिख रहा है स्क्रीन पे। हाँ सर, दिख रहा है, दिख रहा है सर। किसको नहीं दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है सर। किसी को नहीं दिख रहा था ना? किसको नहीं दिख रहा बताओ, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। सर दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया ना? अरे अभी तक तुम अंधकार में पढ़ रहे थे क्या? एक्चुअली सर मैं वो आपका बोर्ड वाला वीडियो पे पिन करके रख दिया था। अब 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 भाई ये तो तुमने पूरा का पूरा इतिहास नया बना दिया भाई। अच्छा बाकी को दिख रहा है ना? नहीं सर, नोटिस किया, टेंशन मत लो। अभी आपको भी दिख गया ना? यस सर। ओके ओके ओके, क्योंकि आज लिखना ज्यादा था ना, लिखना ज्यादा इन टर्म्स ऑफ कि नाम बहुत ज्यादा था, इस कारण से हमने पीपीटी पे लिया है। जब समझाना ज्यादा रहता है तो फिर बोर्ड ठीक है, जब लिखना ज्यादा है तो फिर ये पीपीटी ठीक है, है कि नहीं? जैसे भारत की जो क्रांति थी वो समझाना था, इस साल हमने चौरी चौरा किया, इस साल हमने बारदोली सत्याग्रह किया है। अच्छा हमने शायद बारदोली सत्याग्रह नहीं पढ़ा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने नाम नया बोला। हाँ सर, नहीं पढ़ाया। यस यस यस, ठीक है, अगर नहीं पढ़ाया तो डोंट वरी, लेकिन 1928 में आप जाके लिख लीजिएगा बारदोली मूवमेंट, है ना? और उसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा, बारदोली मूवमेंट क्या था उसको बता भी दूंगा मैं क्या था बारदोली मूवमेंट। लेकिन बोलते बोलते देखो बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं, लेकिन समटाइम्स होता है कि जब बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो 100 में से 2 बातें तो ऑफकोर्स निकल ही जाती हैं। चले यहाँ पे मैन ऑफ पीस, शांति पुरुष, लाल बहादुर शास्त्री। ये लाल बहादुर शास्त्री कौन थे?
एक्सट्रीमिस्ट के मेंबर थे। लाल बहादुर शास्त्री? नहीं सर, सेकंड प्राइम मिनिस्टर। सॉरी वो तो लाला लाजपत राय थे। सॉरी सर, सेकंड प्राइम मिनिस्टर। मैडम सावधानी हटेगी तो ऐसे ही दुर्घटना घट जाएगी। ये लाल देख के बीपीएल को नहीं याद करने का बालपाल लाल। सॉरी सर कंफ्यूजन। हाँ वो लाल सिर्फ वही था जिसको एक व्यक्ति ने लाठी से मार दिया था, नाम था लॉर्ड सैंडर्स। हाँ, नहीं यस साइमन गो बैक 1928 का नारा जिस व्यक्ति ने लगाया, तो वो था बीपीएल वाला लाल। ये तो बेचारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। एकमात्र ऐसा प्राइम मिनिस्टर, फिर से बोल रहा हूँ ध्यान से सुने, एकमात्र ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसका डेथ आपके इंडिया के ज्योग्राफिकल सीमा से बाहर हुआ है। समझ में आया? अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जेएल नेहरू से लेके आज तक के डेट में किसी भी प्राइम मिनिस्टर का डेथ आपके इंडिया से बाहर नहीं हुआ है। दिस नेम इज ओनली एक्सेप्शन जिसका डेथ इंडिया से बाहर हुआ है। और ये क्वेश्चन कोई भी एसएससी तैयारी करने वाले आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी कड़ी में घूम घूम के आपको देखने को मिलेगा कि हु ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर डाइड इन सो कंट्री। उस कंट्री से में नाम क्या डालिएगा? लाला लाजपत राय डालिएगा ना? नहीं सर। फिर लाल बहादुर शास्त्री। यस, लाल बहादुर शास्त्री। देखिए ये चीजें जो मैं बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा, ये आपको नोट्स में लिखा होगा नहीं मिलेगा, तो इस कारण से मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा आप लिखे भी तो जो फैक्ट है वो मैं करते हुए आपको बोलता चला जाता हूँ। चले लाल बहादुर शास्त्री से आगे चलते हैं। और मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, बेसिकली मेट्रो की शुरुआत जिस इंजीनियर ने किया था आपके इंडिया में वो यही है। अच्छा आप में से इंजीनियर कौन है? इंजीनियर अभी कोई होगा भी तो नहीं बोलेगा कि मैं इंजीनियर हूं सर, पता चल जाएगा कि सर कोई क्वेश्चन पूछ देंगे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। अरे मैं खुद इंजीनियर नहीं हूं भाई, कोई इंजीनियर है आप में से? नो सर। अच्छा संभवतः ऐसा कोई क्लास नहीं है जिसमें कोई इंजीनियर रहता नहीं है। चलो ठीक है, मैं एक बात बता देता हूँ कि इंजीनियर्स डे हम जिस व्यक्ति के याद में मनाते हैं वो व्यक्ति कौन सा है, तो वो फिर से नाम देखो, वो व्यक्ति यही है एम एस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है चले मेट्रो मैन को जान लें। ई श्रीधरन, टाइगर ऑफ मैसूर, मैसूर नरेश, टीपू सुल्तान, इसकी बात हम चलेंगे तो मिडाइवल हिस्ट्री में हम करेंगे, मध्यकालीन भारत में जिस समय हम मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी वगैरह के बात करेंगे उस समय हम बात करेंगे। हालांकि है तो ये फर्स्ट लाइन फैक्ट ही, लेकिन हम फिर भी बात करेंगे टीपू सुल्तान का। हॉकी विजार्ड मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेट नहीं रखता है, लेकिन फिर भी एक दो ऐसे फैक्ट थे जिसको मैंने पुट कर दिया यहीं पे। हॉकी विजार्ड वैसे भी आप जानते हैं कि ध्यानचंद पुरस्कार ही हम देते हैं, ध्यानचंद अवार्ड ही देते हैं, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है, पूछा जाता है कि ध्यानचंद अवार्ड हम कौन से फील्ड पे देते हैं। आंसर इज हॉकी, है ना। ध्यानचंद हॉकी विजार्ड हम किसको कहते हैं, तो ध्यानचंद। इतनी बात आपको याद रखनी है।